स्टेप्स ऑफ ऊजेनेसिस, यानी ऊजेनेसिस में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न चरण। ऊजेनेसिस की पूरी क्रिया कितने चरणों में चलती है उसको स्टेप्स ऑफ ऊजेनेसिस कहते हैं। यानी अंडजनन, अंडजनन की प्रक्रिया को समझने के लिए पूरी प्रक्रिया को तीन चरणों में विभाजित किया जाता है। पहला चरण गुणन प्रावस्था कहलाती है, गुणन प्रावस्था, इसको मल्टीप्लिकेशन फेज कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज। दूसरी प्रावस्था जो है वो वृद्धि प्रावस्था कहलाती है, वृद्धि प्रावस्था, ये ग्रोथ फेज कहलाती है, ग्रोथ फेज। और तीसरी प्रावस्था जो है ये परिपक्वन प्रावस्था, मैचुरेशन फेज कहलाती है, मैचुरेशन फेज। मैचुरेशन फेज को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से दो सब स्टेप्स में बांट देते हैं। एक सब स्टेप जो है ये फर्स्ट मैचुरेशन फेज कहलाता है या फर्स्ट मैचुरेशन डिवीज़न कहलाता है, फर्स्ट मैचुरेशन डिवीज़न। और सेकेंड फेज जो है इसका सेकेंड मैचुरेशन डिवीज़न कहलाता है, सेकेंड मैचुरेशन डिवीज़न कहलाता है। मतलब ऊजेनेसिस की संपूर्ण क्रिया को समझने के लिए इसको तीन चरणों में बांट लिया जाता है। एक गुणन प्रावस्था कहलाती है, इसको अंग्रेजी में मल्टीप्लिकेशन फेज कहते हैं। दूसरी वृद्धि प्रावस्था कहलाती है, इसको अंग्रेजी में ग्रोथ फेज कहते हैं। तीसरा परिपक्व अवस्था कहलाती है, मैचुरेशन फेज है, इसको भी अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से दो सब फेज में डिवाइड कर लेते हैं। एक फर्स्ट मैचुरेशन फेज या फर्स्ट मैचुरेशन डिवीज़न, और दूसरा सेकंड मैचुरेशन फेज या सेकंड मैचुरेशन डिवीज़न। अब हम ये समझेंगे कि गुणन प्रावस्था क्या है, कैसे किस प्रकार से आगे बढ़ती है, इसको समझिए। गुणन प्रावस्था या मल्टीप्लिकेशन फेज, ठीक है। तो गुणन प्रावस्था का मतलब ये हुआ कि इसमें कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी। तो कोशिकाओं की संख्या बढ़ने का मतलब ये है कि जो ओवरी है, ओवरी का जो आउटर लेयर होता है वो प्राइमोडियल जर्म सेल या प्राइमरी जर्म सेल कहलाती है, प्राइमोडियल जर्म सेल कहलाती है। ये प्राइमोडियल जर्म सेल जो है ये माइटोसिस डिवीज़न को हिंदी में समसूत्री विभाजन कहते हैं, समसूत्री विभाजन कहते हैं। और समसूत्री विभाजन की विशेषता है कि इसमें जो संतति कोशिकाएं बनेंगी उनमें गुणसूत्रों की संख्या उनके मातृ कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या के बराबर होती है। दूसरी विशेषता ये है कि ये विभाजन सतत चलता है, लगातार कई बार विभाजन हो जाता है। तो अब अगर ये देखें कि ये हमारी जर्म सेल है, प्राइमोडियल जर्म सेल, ये सेल जो है ये मल्टीप्लिकेशन फेज में जा रही है, मल्टीप्लिकेशन फेज। तो मल्टीप्लिकेशन फेज में ये सेल माइटोसिस डिवीज़न के अंतर्गत कई बार विभाजित होती है। तो इस विभाजन में कोशिका बनेगी, फिर बनने वाली संतति कोशिका फिर विभाजित होगी,
और कोशिकाएं बनेंगी, फिर ये कोशिकाएं पुनः विभाजित होंगी तो और कोशिकाएं बनेंगी। इस तरह से बड़ी संख्या में कोशिकाओं का निर्माण होगा। तो ये जो कोशिकाएं बड़ी संख्या में बनेंगी, ये सारी कोशिकाएं जो है वो गोनिया कहलाती हैं। वो गोनिया कहलाती है, इसको प्लूरल उगोनिया है, जबकि इसका जो सिंगुलर है वो उगोनियम है। तो मल्टीप्लिकेशन फेज में दो बात याद रखने की आवश्यकता है। मल्टीप्लिकेशन फेज में डिवीज़न किस प्रकार का है, किस प्रकार का कोश के विभाजन है, एक चीज़। और दूसरे जो कोशिकाएं बनती है उन संतति कोशिका में और फिर जर्माइनल सेल में गुणसूत्रों की संख्या में क्या कोई अंतर आता है कि नहीं आता है, ये मेन बात है। और इसके पहले के वीडियो में हमने आपको बताया कि एम्ब्रियोनिक फेज में ही ओजेनेसिस प्रारंभ हो जाता है। तो एम्ब्रियोनिक फेज में जो ओजेनेसिस चलता है उसका मल्टीप्लिकेशन फेज बड़ी तेज़ी से चलता है। तीसरे चौथे महीने तक बहुत अधिक संख्या में उगोनिया का निर्माण हो जाता है। बकिया फेज जो है नहीं चल पाता, पाँचवें मंथ में ये स्टॉप हो जाता है। तो वहाँ एम्ब्रियोनिक फेज में हमको प्राइमोर्डियल जर्म सेल से बहुत अच्छी संख्या में, बहुत अधिक संख्या में उगोनिया मिल जाते हैं। दूसरा, प्राइमरी जर्म सेल या प्राइमोर्डियल जर्म सेल से जो उगोनिया बनती है ये माइटोसिस डिवीजन के फलस्वरूप बन रही है। तो माइटोसिस डिवीजन के फलस्वरूप बनने का मतलब ये हुआ कि समसूत्री विभाजन है। समसूत्री विभाजन का मतलब यह है कि गुणसूत्रों की संख्या में कोई अंतर नहीं आएगा, यानी जो जननी कोशिका है मदर सेल है और जो संतति कोशिका है जो डॉटर सेल्स है, दोनों के गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं है। जर्म सेल ये डिप्लॉयड है, जर्म सेल जो है ये डिप्लॉयड है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या 2n है। तो इस हिसाब से उगोनिया में भी गुणसूत्रों की संख्या 2n होगी और ये भी डिप्लॉयड होंगे। तो ये मल्टीप्लिकेशन फेज हुआ। अब इसके आगे के फेज को देखें। इसके बाद का जो फेज होता है वो वृद्धि प्रावस्था कहलाती है। वृद्धि प्रावस्था, इसको ग्रोथ फेज कहते हैं, ग्रोथ फेज। इस वृद्धि प्रावस्था में जो उगोनिया बने, ये उगोनियम है, ठीक है, इसका नरिशमेंट होगा। नरिशमेंट यानी इसके पोषण के फलस्वरूप जो है इस कोशिका के आकार में वृद्धि होगी, इसके साथ साथ इसका केंद्रक भी बढ़ेगा। तो बड़े आकार की ये कोशिका बनेगी, इसका केंद्रक भी बड़ा होगा। ये प्राइमरी ऊसाइट कहलाती है, प्राइमरी ऊसाइट कहलाती है, ठीक है। तो उगोनियम से प्राइमरी ओसाइट जो बनी वो किसी भी प्रकार के सेल डिवीजन से नहीं बनी, ये केवल उगोनियम के पोषण के फलस्वरूप बनी। तो इसका मतलब ये है कि उगोनियम डिप्लॉयड है, उगोनियम डिप्लॉयड है, तो प्राइमरी ओसाइट भी डिप्लॉयड होगा। प्राइमरी ओसाइट इसका मतलब उगोनियम में अगर गुणसूत्रों की संख्या क्रोमोसोम 2n है तो प्राइमरी ओसाइट में भी ये 2n होगा। ये ग्रोथ प्रोसेस था। अब यहाँ प्रश्न एक उठता है कि जितनी उगोनिया बनी थी वो क्या सभी उगोनिया प्राइमरी ओसाइट में आ गए? नहीं, ऐसा नहीं है। नरिशमेंट जिनका अच्छी तरह से होता है वही प्राइमरी ओसाइट में बदलती है, सबका नरिशमेंट नहीं हो पाता है। तो सारी उगोनिया जो बनी वो प्राइमरी ओसाइट में नहीं आ पाती। तो जो प्राइमरी ओसाइट में नहीं आ पाती है वो उगोनिया जो है, यानी शेष उगोनिया, ये फॉलिकल सेल्स बना लेती है, पट्टिका कोशिका है,
पुटिका कोशिका है, फॉलिकल सेल्स बना लेते हैं, है ना। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है, फॉलिकल सेल इस स्टेज में हमको प्राप्त हो जाता है। ये वृद्धि प्रवस्था है, यानी मल्टीप्लिकेशन फेज में प्राइमोर्डियल जर्म सेल से बहुत अधिक संख्या में ओगोनिया बनती है। उन ओगोनिया का पोषण होता है, तो पोषण के बाद कुछ ओगोनिया जो है वृद्धि कर जाती है, उनका केंद्रक भी वृद्धि कर जाता है। तो वृद्धि करने वाली इन ओगोनिया को अब प्राइमरी ओसाइट कहते हैं। जिनमें वृद्धि नहीं हो पाती वो ओगोनिया जो है फॉलिकल सेल्स का निर्माण कर लेती है। अब वृद्धि प्रावस्था के आगे कैसे चलता है, वृद्धि प्रावस्था के बाद की स्टेज जो आती है वो परिपक्वन अवस्था कहलाती है। परिपक्वन अवस्था, इसको अंग्रेजी में मैचुरेशन डिवीजन कहते हैं। मैचुरेशन डिवीजन, मैचुरेशन डिवीजन जो होता है ये दो स्टेप में चलता है। एक फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन, फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन, और दूसरा सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन, दूसरा सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन। तो जो मैचुरेशन डिवीजन है, मैचुरेशन डिवीजन वो मियोसिस टाइप का है। मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन। तो मियोसिस की प्रक्रिया दो स्टेप में चलती है। एक मियोसिस फर्स्ट कहलाती है, मियोसिस फर्स्ट, और एक जो है मियोसिस सेकंड कहलाती है। तो मियोसिस फर्स्ट जो है ये रिडक्शन डिवीज़न है, मियोसिस फर्स्ट ये रिडक्शन डिवीज़न है, ठीक है। और मियोसिस सेकंड जो है ये माइटोटिक टाइप है, माइटोटिक टाइप, ये मुख्य बात है यहाँ। और इसी आधार पर ये मैचुरेशन डिवीज़न दो स्टेप में ले लिया जाता है, फर्स्ट मैचुरेशन डिवीज़न है, सेकंड मैचुरेशन डिवीज़न। तो अब ये जो प्राइमरी ओसाइट है, प्राइमरी ओसाइट ये फर्स्ट मैचुरेशन डिवीज़न में गया, फर्स्ट मैचुरेशन डिवीज़न में गया। यहाँ मियोसिस होगा, यहाँ मियोसिस होगा, तब फिर हमको दो अलग अलग आकार के, भिन्न आकार की कोशिकाएं मिलेंगी, एक छोटे आकार की कोशिका और एक बड़े आकार की कोशिका। तो जो छोटे आकार की कोशिका मिलती है उसको फर्स्ट पोलर बॉडी कहते हैं, फर्स्ट पोलर बॉडी, और जो बड़े आकार की कोशिका मिलती है वो सेकेंडरी ओसाइट कहलाती है, वो सेकेंडरी ओसाइट कहलाती है। अब समझिए, ये मेन पॉइंट है। ये फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन जो है ये फर्स्ट मियोसिस है, फर्स्ट मियोसिस है, ये रिडक्शन डिवीजन है। यहाँ गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाएगी, क्रोमोसोम्स हाफ हो जाएंगे। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो कि एक डिप्लॉयड सेल है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 2n है, अब इस फर्स्ट मियोसिस के बाद जो सेकेंडरी ओसाइट बना वो हैप्लॉयड हो जाएगा, वो हैप्लॉयड हो जाएगा। यहाँ गुणसूत्रों क्रोमोसोम की संख्या n हो जाएगी। दूसरी मेन बात यह है कि ओवरी से ओवुलेशन जब होगा, ओवुलेशन, तो ओवुलेशन के में जो हमको ओवा मिलेगा वो मैच्योर ओवा नहीं होगा, वो सेकेंडरी ओसाइट होगा। आप इसको देखिए, ये स्ट्रक्चर है आपके ओविडक्ट का, ये
फिम्बरी है और ये ओवरी है। अब ओवरी से ओवुलेशन ओवुलेशन हुआ, ओवुलेशन, तो जो ये ओवा हमको मिला ये सेकेंडरी ओसाइट है, ये सेकेंडरी ओसाइट है, ये मैच्योर ओवा नहीं है। फिर ये फिम्बरी की मदद से जो है ये इन्फेंट डेवलप में जाएगा, इन्फंडिबुलम, ठीक है। फिर ये आगे बढ़ेगा, फिर एम्पुला हुआ, फिर एम्पुला से आगे बढ़ेगा इस्थमस हुआ, ठीक है। तो अब सेकेंडरी ओसाइट जो है अब आगे चल करके ओविडक्ट में है, सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन में आ जाएगा, ये सेकेंडरी ओसाइट है, ये सेकेंडरी ओसाइट है, ये हैप्लॉइड है, क्रोमोसोम्स एन है। अब ये जो है सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन में जाएगा, सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन, ये माइटोटिक टाइप है, ये माइटोटिक टाइप है। तो हमको जो दो कोशिकाएं यहाँ मिलेंगी, फिर दो भिन्न आकार की कोशिकाएं मिलेंगी, एक छोटी कोशिका और एक बड़े आकार की कोशिका। जो छोटी कोशिका मिलेगी वो सेकेंड पोलर बॉडी कहलाएगी, सेकेंड पोलर बॉडी। और जो बड़ी कोशिका मिल देगी यही मैच्योर ओवम होगा, मैच्योर ओवम होगा। तो अब यहाँ प्रश्न बनता है कि जो सेकेंड मैचुरेशन डिवीज़न हो रहा है ये कब होगा और कहाँ होगा, ये मेन चीज़ है। तो इसका जवाब ये है कि सेकेंड मैचुरेशन डिवीज़न जो है ये निषेचन के समय, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के समय होगा। यहाँ जो है सेकेंडरी ओसाइट जो है माइटोटिक डिवीज़न के फलस्वरूप डिवाइड होगी, तो मैच्योर ओवर बनेगा, मैच्योर ओवम बनेगा। और ये कहाँ बनेगा, जहाँ फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, एट द जंक्शन ऑफ एम्पुला एंड इस्थमस, एम्पुला और इस्थमस के जंक्शन पर। तो ये पूरी प्रक्रिया आपकी आ गई, यानी हम चले कहाँ से, प्राइमोर्डियल जर्म सेल से, फिर पहुँचे उगोनिया में, उगोनिया के बाद हम पहुँचे प्राइमरी ओसाइट में, प्राइमरी ओसाइट के बाद पहुँचे हम सेकेंडरी ओसाइट में, और सेकेंडरी ओसाइट के बाद हम पहुँच गए मैच्योर ओवम में। तो ये पूरी प्रक्रिया आपकी ओजेनेसिस की होगी। अब इसको अगर आपको शार्ट में लेना हो तो पूरी प्रक्रिया को हम यहाँ शार्ट में ले रहे हैं। ये हो गया हमारा प्राइमरी जर्म सेल, प्राइमरी या प्राइमोडियल जर्म सेल, ये मल्टीप्लिकेशन फेज में जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन फेज में माइटोटिक डिवीज़न होगा, माइटोटिक डिवीज़न से ये माइटोटिक डिवीज़न लगातार होगा, तो इससे कोशिकाएं लगातार विभाजित होंगी और विभाजित होकर के बहुत अधिक संख्या में अन्य कोशिकाओं का निर्माण करेंगे, ठीक है। इन बनने वाली कोशिकाओं को उगोनिया कहते हैं, इन बनने वाली कोशिकाओं को उगोनिया कहते हैं। ये डिवीज़न जो है माइटोटिक है, ये माइटोटिक है। तो प्राइमोर्डियल जर्म सेल से उगोनिया के निर्माण की ये पूरी प्रक्रिया जो है ये गुणन अवस्था यानी मल्टीप्लिकेशन फेज है, मल्टीप्लिकेशन फेज है। अब इस उगोनिया का डेवलपमेंट होगा यानी ग्रोथ फेज स्टार्ट होगा, ग्रोथ फेज। तो एक डेवलप्ड सेल बनेगी और ये डेवलप्ड सेल जो है
प्राइमरी ओसाइट कहलाएगी, प्राइमरी ओसाइट कहलाएगी। फिर ये प्राइमरी ओसाइट जो है ग्रोथ फेज के बाद मैच्योरेशन डिवीजन में जाएगी, फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन, फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन। ये मियोटिक टाइप होगा, इससे दो भिन्न आकार की कोशिकाएं मिलेंगी, एक बड़ी और एक छोटी। तो जो छोटी मिलेगी वो फर्स्ट पोलर बॉडी कहलाएगी, फर्स्ट पोलर बॉडी। और जो बड़ी कोशिका मिलेगी वो सेकेंडरी ओसाइट कहलाएगी, ठीक है। फिर ये सेकेंडरी ओसाइट जो है सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन में जाएगी, सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन। ये सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन जो होगा ये माइटोटिक टाइप होगा। अब यहाँ भी दो कोशिकाएं भिन्न आकार की मिलेंगी, एक बड़ी और एक छोटी। तो जो छोटे आकार की कोशिका मिलेगी वो सेकेंड पोलर बॉडी कहलाएगी, और जो बड़े आकार की कोशिका मिलेगी ये मैच्योर ओवम होंगे, ये मैच्योर ओवम। अब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पर आइए, प्राइमोडियल जर्म सेल ये डिप्लॉयड होते, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n। अब इसमें माइटोटिक डिवीजन हुआ तो जो ओगोनिया बना यहाँ भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 2n या 2x। ग्रोथ फेज में कोई डिवीजन हुआ नहीं इसलिए प्राइमरी ओसाइट भी 2x या 2n। और फिर यहाँ मियोटिक डिवीजन हुआ तो सेकेंडरी ओसाइट जो हो गया हैप्लॉयड हो गया, यहाँ क्रोमोसोम्स हाफ हो गए यानी एन हो गया। फिर माइटोटिक डिवीजन में आया तो जो मैच्योर ओवम होगा वो भी एन होगा। इस तरह से हमारा प्राइमोडियल जर्म सेल, ओगोनिया और प्राइमरी ओसाइट ये डिप्लॉयड हो गए, लेकिन उसके बाद सेकेंडरी ओसाइट और फिर मैच्योर ओवम ये हैप्लॉयड हो गए। तो ये ओजेनेसिस की पूरी प्रक्रिया हो गई। इस ओजेनेसिस की पूरी प्रक्रिया में आपको हर एक स्टेप को समझना पड़ेगा, किस प्रकार का डिवीजन हो रहा है ये समझना पड़ेगा, किस स्टेज तक कौन फेस चल रहा है ये समझना पड़ेगा, तब जा करके आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं।